गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडे सेशन लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स एंड मोमेंट। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ने वाले हैं सॉनेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन सॉनेट। सॉनेट क्या है, सॉनेट किस प्रकार की पोएम होती है, कितने प्रकार के सॉनेट लिखे गए हैं और सॉनेट की शुरुआत किस कंट्री से मानी जाती है, इंग्लैंड में सॉनेट कब आता है यानी किस सेंचुरी में आता है और किसके द्वारा लाया जाता है, साथ ही साथ सॉनेट को इंग्लैंड में कौन इंट्रोड्यूस करवाता है और सॉनेट का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है और ढेर सारे जो सॉनेट की जो कलेक्शन है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉनेट उनको भी हम सभी कवर करेंगे। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने कितने सॉनेट लिखे, किसको डेडिकेट किया, उनके सॉनेट को किस नाम से जाना जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पैटर्न को फॉलो किया। डियर फ्रेंड्स, इन सभी डाउट को आज हम सभी समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट सॉनेट। व्हाट इज अ सॉनेट, सॉनेट क्या है। सॉनेट, द टर्म सॉनेट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड सॉनेटो। सॉनेट टर्म इटली के सॉनेटो वर्ड से लिया गया है। अर्थात आपको इस पॉइंट को लर्न करना है कि जो सॉनेट वर्ड है यह किस वर्ड से लिया गया है, तो इटालियन वर्ड सॉनेटो, सॉनेटो से लिया गया है। इट मीन्स अ लिटिल साउंड और सॉन्ग, जिसका आशय अ लिटिल साउंड, लिटिल साउंड होता है या फिर अ सॉन्ग, एक गीत हुआ करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सॉनेट वर्ड है वह इटालियन वर्ड सॉनेटो से लिया गया है, जिसका आशय होता है अ लिटिल साउंड या फिर अ सॉन्ग। इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स हैविंग अ पार्टिकुलर राइमिंग स्कीम। यह एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें एक पार्टिकुलर राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है। राइमिंग किस प्रकार की हो सकती है, तो जो विलियम शेक्सपियर का सॉनेट होता है उसका राइमिंग स्कीम अलग होता है, पेटार्कन सॉनेट का राइमिंग स्कीम अलग होता है और स्पेंसेरियन सॉनेट का भी राइमिंग स्कीम अलग हुआ करता है। तो अभी इन सभी डाउट को हम सभी समझने वाले हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है अ लिरिक पोएम, सॉनेट एक लिरिक पोएम भी हो सकती है, दैट इज रिटेन इन 14 लाइन्स, जो कि 14 लाइन की पोयम यानी कविता मानी जाती है। जनरली इट बिकम्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, सामान्यतः सॉनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोयम होती है। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक का मतलब होता है एक ऐसा मीटर जिसमें एक अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, देन उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल आता है, ऐसे करके 5 times यानी 5 feet हो जाता है, जिसको हम लोग आयाम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। यानी कि सॉनेट आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक लिरिक पोएम होती है जो कि 14 लाइन की कविता मानी जाती है। द सॉनेट was brought in England by Earl of Surrey and Sir Thomas Wyatt. सॉनेट को इंग्लैंड में अर्ल ऑफ सरे और सर थॉमस वायट के द्वारा लाया जाता है। यह सॉनेट इटली से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था, इटली से। यानी कि 16th century में सॉनेट को अर्ल ऑफ सरे और सर थॉमस वायट के द्वारा इंग्लैंड में लाया जाता है।
एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन स्टेंजा फॉर्म बाई ओयाट। ओयाट के द्वारा सॉनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जबकि इट वॉज डेवलप्ड इन स्टेंजा फॉर्म बाई अर्ल ऑफ सरे, जबकि सॉनेट का डेवलपमेंट स्टेंजा फॉर्म के रूप में अर्ल ऑफ सरे के द्वारा होता है। यानी एक डाउट आपके माइंड में बना होगा कि सॉनेट को कैसे याद किया जाए कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया और किसने डेवलप कराया। तो एक हम छोटा सा ट्रिक बना लेते हैं कि जो अर्ल ऑफ सरे हैं इनके नाम में यस है और सॉनेट भी यस से ही शुरू होता है, यानी कि सॉनेट को किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो यानी सॉनेट को यस ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, अर्थात सॉनेट को सर थॉमस वायट ने इंट्रोड्यूस कराया, जबकि डेवलपमेंट इट वॉज डेवलप्ड इन स्टेंजा फॉर्म बाई अर्ल ऑफ सरे। आई होप यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 14 लाइन की एक ऐसी पोयम जिसमें एक पार्टिकुलर राइम को फॉलो किया गया हो, जो कि लिरिक भी हो सकती है, अगर इस प्रकार की पोयम लिख दी जाती है तो वह सॉनेट हो सकती है। और इसको 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में इटली से लाया जाता है। इटली से लाने वाले दो महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन्स थे, सर थॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरे। सर थॉमस वायट ने सॉनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया, जबकि अर्ल ऑफ सरे ने सॉनेट का डेवलपमेंट किया, यानी डेवलप्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सॉनेट इज नोन इंग्लिश सॉनेट और द शेक्सपियरियन सॉनेट, यानी कि जो सॉनेट इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया, उस सॉनेट को शेक्सपियरियन सॉनेट या फिर इंग्लिश सॉनेट के नाम से भी जाना गया है। किस सॉनेट के नाम से जाना गया है? शेक्सपियरियन सॉनेट या फिर इंग्लिश सॉनेट। There are three basic form of sonnet. Sonnet के three basic form हो सकते हैं, यानी three types हो सकते हैं। That is Petrarchan sonnet, Spenserian sonnet and Shakespearean sonnet. तो जो sonnet होता है, इन sonnet में कुछ changes कर दिए गए हैं, जिसके वजह से कई सारे sonnet हो गए। जैसे Petrarchan sonnet, इसको पेट्टार्क महोदय लिखा करते थे। स्पेंसेरियन सॉनेट, इसको एडमंड स्पेंसर लिखा करते थे। और शेक्सपियरियन सॉनेट, इसको विलियम शेक्सपियर लिखा करते थे। तो आइए समझते हैं कि पेट्टार्कन सॉनेट क्या है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे एडमंड स्पेंसर का जो सॉनेट है, स्पेंसेरियन सॉनेट। द नेम ऑफ पेट्टार्कन इज टेकन पेट्टार्क, जो पेट्टार्कन सॉनेट है इसका नाम पेट्टार्क के नाम से लिया गया है। हु रोट द सॉनेट फॉर हिज बिलव्ड लौरा, जो कि अपनी प्रेमिका लौरा के लिए लिखा करते थे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं पेट्टार्कन सॉनेट का नाम पेट्टार्क के नाम पर पड़ा और पेट्टार्क महोदय इस सॉनेट को अपनी प्रेमिका लौरा के लिए लिखा करते थे। इट हैज टू पार्ट, ऑक्टेव 8 लाइंस एंड सेस्टेट 6 लाइन। इसके पास दो पार्ट हुआ करता था, यानी यह सॉनेट दो भागों में डिवाइड था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन। और जो ऑक्टेव होता है इसका राइमिंग कुछ इस प्रकार है, द राइमिंग ऑफ ऑक्टेव बिकम्स ए बी बी ए बी बी ए। यानी इसका ट्रिक बनाए तो अब्बा
अब्बा, यानी ए बी बी ए, ए बी बी ए। और सिर्फ और सिस्टेट का अगर राइमिंग बनाए तो सिस्टेट वी कम सी डी ई सी डी ई, यानी सिक्स लाइन ये हो गया और एट लाइन ये हो गया, तो इन लाइन को यदि हम जोड़ देते हैं तो 14 लाइन की पोएम बन जाती है। यदि आपको कंफ्यूजन है तो हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। जैसे पिटारकन सॉनेट में जो ट्रिक काम करेगा वह आएगा अब्बा, क्या आएगा अब्बा। और एडमंड स्पेंसर का जो सॉनेट है उसको हम लोग जानते हैं स्पेंसेरियन सॉनेट के नाम से, तो स्पेंसेरियन सॉनेट यानी एडमंड नाम है उनका, तो ई है, तो उनके नाम की जो उनके नाम का जो वर्ड है उसी से ट्रिक निकल के आएगा, यानी कि अंत में आएगा ई ई, क्या आएगा ई ई। और जो विलियम शेक्सपियर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन हैं, इसलिए इनको हम लोग शेक्सपियर ना कर करके शेक्सपियर जी कहेंगे, यानी कि इनके नाम में आ जाएगा जी जी। यानी कि स्पेंसेरियन सॉनेट एक ऐसा सॉनेट होता है जो कि 14 लाइन की कविता तो होती है लेकिन इसमें 3 क्वाट्रेंस और 1 कॉपलेट को फॉलो किया जाता है। तो जो क्वाट्रेन होगा वह 4-4 लाइन का होगा, यानी 4 तिहाई 12, और कॉपलेट 2 लाइन की 12 2 14। तो जो कॉपलेट होगा उसमें आएगा ई ई, जबकि शेक्सपियर में आएगा जी जी। तो आइए समझते हैं स्पेंसेरियन सॉनेट। स्पेंसेरियन सॉनेट किस प्रकार का सॉनेट है, तो इसके लिए भी कहा जा सकता है कि यह सॉनेट भी 14 लाइन की कविता मानी जाती है और इसके पास भी राइम स्कीम हुआ करता है, लेकिन इसका राइम स्कीम पिटारकन सॉनेट से कुछ अलग है। जैसे स्पेंसेरियन सॉनेट हैज 3 क्वाट्रेंस एंड अ कॉपलेट, जो स्पेंसेरियन सॉनेट हुआ करता है इसके पास 3 क्वाट्रेंस होते हैं, यानी 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा होते हैं, एंड अ कॉपलेट और 1-2 लाइन का कॉपलेट होता है, या कर सकते हैं कि दोहा होता है, यानी 2 लाइन की कविता, यानी 1 कॉपलेट को जोड़ा गया, एंड इट्स राइम बिकम्स ए बी ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी एंड ई ई। यदि इसको समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड होता है, जैसे ए बी तो यहाँ से बी उठा लिए, बी सी बी सी, फिर उसके बाद सी उठा लिए, सी डी सी डी, और लास्ट में जो कॉपलेट यूज होता है ई ई, यानी यह इंटरलिंक्ड नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ट्रिकी इसको बना करके लर्न कर लेंगे कि जो स्पेंसेरियन सॉनेट होता है उसमें जो कॉपलेट यूज होता है वह ई ई आता है उसमें। अब आइए समझते हैं शेक्सपियरियन सॉनेट। द शेक्सपियरियन सॉनेट हैज आल्सो 3 क्वाट्रेन, यानी कि जो शेक्सपियरियन सॉनेट होता है उसके पास भी 3 क्वाट्रेंस होते हैं, एंड अ कपलेट और एक कपलेट भी होता है, एंड इट्स राइमिंग बिकम्स ए बी ए बी सी डी ई एफ जी जी। यानी कि शेक्सपियर को क्या हम लोग कहते हैं, शेक्सपियर जी। तो इसका इंटरलिंक्ड नहीं होगा, जैसे ए बी यानी बी समाप्त हो गया, यानी अब यहां से हम लोग अगला राइमिंग स्कीम स्टार्ट होगा, यानी कि सी बी के बाद यानी सी सी डी सी डी, अब ई एफ फाइनली जो कॉपलेट होगा वो जी जी। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से ट्रिक को हम लोग रिवाइज करते हैं। जो पिटारकन सॉनेट होगा उसमें अब्बा आएगा, यानी ए बी बी ए बी बी ए और सी डी ई, और जो स्पेंसेरियन सॉनेट होगा तो उनका नाम ही है एडमंड स्पेंसर, यानी ई आना चाहिए, यानी ए बी बी सी सी डी ई ई। शेक्सपियरियन सॉनेट है इसमें क्या आएगा, जी जी, यानी ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। तो इस प्रकार से
हम लोगों ने सानेट को समझ लिया। स्टेंजा फॉर्म में किसने इंट्रोड्यूस कराया, सानेट में मीटर कौन सा यूज होता है यानी आयम्बिक पेंटामीटर, सानेट के टाइप्स कितने हो सकते हैं, शेक्सपियरियन सानेट, पेटार्कन सानेट, इंग्लिश सानेट एंड एडमंड स्पेंसर का स्पेंसेरियन सानेट, और राइमिंग क्या होता है। तो राइमिंग जो सानेट की होती है तीन प्रकार की होती है राइमिंग, शेक्सपियर का अलग चलेगा, पेटार्कन का अलग और एडमंड स्पेंसर का स्पेंसेरियन सानेट का अलग। और डेवलप किसने कराया, इंट्रोड्यूस किसने कराया, इटली में कब इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो 16th सेंचुरी के ही आसपास मानी जाती है या मानी जा सकती है, लेकिन 16th सेंचुरी में ही इंग्लैंड में भी लाया जाता है सर टॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरी के द्वारा। जो सबसे महत्वपूर्ण सानेट है स्ट्रॉफी एंड स्टेला, इस सानेट को फिलिप सिडनी महोदय लिखा करते थे। नेक्स्ट है जॉन डन का सानेट है हॉली सॉनेट, जॉन डन ने लगभग 19 सानेट को कंपोज किया। इनके सानेट की जो थीम थी वह रिलीजियस थीम थी, जबकि बात करें मिल्टन की तो जो जॉन मिल्टन सानेट लिखते थे उनके जो लिखने का स्टाइल था, मिल्टन ने जो सानेट को कंपोज किया इंग्लिश में किया और लैटिन सानेट में किया। विलियम वॉर्ड्सवर्थ इन्होंने लगभग 523 प्लस सानेट को कंपोज किया, यानी 500 से भी ऊपर सानेट को इन्होंने कंपोज किया, या 523 भी मान सकते हैं। और विलियम शेक्सपियर महोदय इन्होंने 154 सानेट को कंपोज किया, जिसमें इनका सानेट दो भागों में डिवाइड था, सानेट नंबर 1 से लेकर के 126 यानी 1 से लेकर 126 तक का सानेट इनके फ्रेंड्स डब्ल्यू एच को डेडिकेटेड था, अर्थात इन्होंने अपने सानेट को अपने दोस्त को डेडिकेट किया। और 127 से लेकर 152 तक के सानेट को इन्होंने किसी डार्क लेडी को डेडिकेटेड किया, जबकि सानेट नंबर 153 और 54 यह गॉड को डेडिकेटेड है, यानी कि लव के गॉड को डेडिकेटेड है। तो इस प्रकार से और भी लोगों ने सानेट को कंपोज किया। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है, इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNPGN को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो शेयर जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।